नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पूर्व मंत्री माननीय श्री पीसी शर्मा जी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश प्रमुख सचिव विधानसभा सामान्य प्रशासन विभाग को काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र लिखा है और उसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, प्रमोशन आदि मुद्दों पर जानकारी मांगी गई है। अब यदि हम इसमें मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राज्य कर्मचारियों, निगम मंडल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का कर्मचारियों केंद्रीय तिथि से मानकर भत्ता एवं एरियर्स कब तक दिया जाएगा, यदि नहीं तो क्यों, कारण सहित बताएं। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति का निराकरण शासन द्वारा कब तक किया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उनके सेवा की तय तिथि से दिया जाएगा अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण सहित बताएं। राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार नाम देने की शासन स्तर पर क्या योजना है, यदि हाँ तो कितने विभागों में पदनाम परिवर्तित किया गया है। वहीं यदि हम इस पत्र में देखें तो कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मध्य प्रदेश में विगत कितने वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए हैं एवं कितने अधिकारी कर्मचारी विगत वर्षों में बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े श्री पीसी शर्मा जी ने शासन स्तर से चाहिए। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को सभी कर्मचारियों के आंकड़ों का परीक्षण कराकर एवं उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर प्रमोशन करने के निर्देश दिए गए थे? क्या मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के आंकड़े IFMIS में उपलब्ध हैं तथा इन आंकड़ों पर परीक्षण कर प्रमोशन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नत किए जाने की कोई योजना है? यदि है तो भाई क्या है और कब तक, समय सीमा बताएं। तो ये तो इस तरीके से यदि हम इस पत्र में देखें तो कर्मचारियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय श्री पीसी शर्मा जी के द्वारा पूछे गए हैं। चाहे वह कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित हो या फिर सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता को लेकर हों, देखते हैं शासन स्तर से इसके क्या जवाब प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बैठक 1/3/2023 यानी कि 1 मार्च को होनी है और 1 मार्च को इन सभी प्रश्नों का जवाब जो सामान्य प्रशासन विभाग है वह प्रस्तुत करेगा। तो साथियों, तब तक हम इंतजार करते हैं। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।